देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए सुशांत सिंह मामले पर अब नीतीश कुमार ने अपना फैसला जो है उनके पिता से बात करने के बाद ले लिया है, यानी कि अब नीतीश कुमार भी चाह रहे हैं कि सुशांत मसले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि जिस तरह से बिहार पुलिस के साथ मुंबई में बर्ताव किया जा रहा है, सिटी एसपी जो है विनय तिवारी उनको क्वारंटीन कर दिया गया 14 दिन के बाद, जिसके बाद बिहार में सियासी पारा जो है इस पूरे मसले पर भी चढ़ गया। कल विधानसभा के दोनों सदनों के सत्र के दौरान भी यह मामला बहुत जोर से उछला। विपक्ष लगातार सुशांत सिंह मसले को लेकर सीबीआई जांच कराने की मांग करता रहा, लेकिन आज इस पूरे मसले पर नीतीश कुमार ने भी अपनी चुप्पी जो है वो खोल दी। नीतीश कुमार ने भी कहा है कि इस मसले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसी सब को लेकर के आरएलएसपी के प्रमुख प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी नीतीश कुमार को तहे दिल से धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मसले पर सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभिषेक झा और क्या कुछ कह रहे हैं ये हम आपको सुनवाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए बिहार की सरकार सिफारिश करने जा रही है। काफी स्वागत योग्य कदम है और हम लोग लगातार इस बात की मांग उठा ही रहे थे, क्योंकि हम लोग देख पा रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जो जांच चल रही थी महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस द्वारा काफी संदेहास्पद थी और शक के घेरे में थी। बहुत सारे तथ्यों को छिपाया गया था और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर ही पेश किया गया था। जब बिहार में मामला दर्ज हुआ और बिहार की पुलिस टीम वहां जाकर अनुसंधान करती है तो यह भी देखने को मिला कि वे लोग महाराष्ट्र के कोई भी अधिकारी हो कोई सहयोग करने के लिए तैयार नहीं था। और हद तो तब हो गई जब पटना की सिटी एसपी वहां अनुसंधानकर्ता के रूप में पहुंचते हैं और उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाता है बीएमसी द्वारा। साफ दिखता है कि निश्चित रूप से इन लोगों के द्वारा जांच में ढिलाई है, ये लोग जांच करने के इच्छुक नहीं है। सोचिए कि इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। हालांकि अब मुख्यमंत्री जी ने सिफारिश करने का निर्णय लिया है और काफी स्वागत योग्य है, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से यह भी आग्रह करना चाहते हैं कि बिहार में अपराधी इतने सक्रिय हैं, इतने सारे लोगों के साथ अन्याय हुआ है, हत्या लूट बलात्कार के मामले आम है यहां पर, उन सभी लोगों को बिहार की आम आवाम को भी निश्चित रूप से न्याय मिलना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, अभी कुछ दिन पहले भी हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी गए थे गोपालगंज। रामेश्वर कुशवाहा जी हैं, उनकी हत्या 1 वर्ष पूर्व कर दी गई थी लेकिन आज तक उनके हत्या के मामले में गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, हाईकोर्ट में भी मामला है। मुख्यमंत्री जी को हरेक ऐसे मामले में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोगों का विश्वास न्याय प्रणाली पर बना हुआ रहे।